स्वागत है संस्कृत दर्शन चैनल में आप सभी का। कोशिश कर रहे हैं हम, थोड़ा समय कम मिल पाता है, मैंने एक दो बार चर्चा भी की है, थोड़ा हमारा जो विद्यालय है वो घर से एक तरफ से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी है, तो 120 किलोमीटर का आना जाना रहता है, उसमें थोड़ा सा समय हमारे पास कम रह पाता है और वीडियो हम कम बना पाते हैं। फिर भी कोशिश करते हैं हर दूसरे तीसरे दिन आपको कुछ ना कुछ दे दिया जाए, जिससे कि आप जिसमें भी अध्ययन कर रहे हैं उसमें सहायता मिलती रहे। आज थोड़ा सा अनउलझा सा, जिसमें नीरसता ज़्यादा रहती है या जिसमें नींद आ जाती है, इसमें मन नहीं लगता, सोचते हैं कि ये क्या समझा रहे हैं, क्या कोई बता रहे हैं, इस तरह से वो समझ में नहीं आती, उस चीज़ को लेके चलेंगे आज। थोड़ी सी भूमिका में चर्चा करेंगे और उसके बाद हम विस्तृत में जाएंगे और बड़े अच्छे से समझाएंगे, सरलतम विधि समझाएंगे। जो जितना कठिन विषय होता है हमको थोड़ा सा उसमें ही आनंद ज़्यादा आता है। निरुक्त को बहुत मुश्किल से समझाते हैं लोग, तो हमने निरुक्त को बड़े अच्छे समझाने का प्रयास किया, आशा करेंगे आपको बड़े अच्छे समझ में आई होगी। इसका जो नाम ले रहे हैं उसका नाम है, आज की जो चर्चा करेंगे वो ध्वन्यालोक है। ध्वन्यालोक थोड़ा सा नीरस है और कठिन भी लगता है, लेकिन आपको चर्चा में बताते चलेंगे ध्वन्यालोक के बारे में। आज थोड़ी सी भूमिका देखेंगे, ध्वनि आलोक, यानी कि नाम कितना अच्छा रखा है आनंद वर्धन जी ने, ध्वनि का प्रकाश, ध्वनि को जो चारों तरफ फैलाया गया हो, फैला दे। एक बात थोड़ी सी चर्चा कर दूं इसमें कि जो काव्य शास्त्र है उसका 70% भाव या उसका समाज में काव्यों पर अधिकार जो है वो ध्वनि ध्वन्यालोक अर्थात आनंद वर्धन जी के द्वारा जिसको स्थापित किया गया था ध्वनि को, उसी का है। वो आगे चर्चा चलेगी। कवि में कवि की जो वाणी होती है वो चमत्कारिक हो जाती है, अगर इसको ध्वनि को सही से प्रयोग में लिया है अपने कवित्व में। तो ध्वनिकार ने ध्वनि की व्यवस्था जब दी थी तो उनसे पहले रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, रीति संप्रदाय अपने अपने अस्तित्व में आ चुके थे, अर्थात इनके जो आचार थे इनको स्थापित कर चुके थे, और ये ध्वनि की बात तो करते थे, ध्वनि के इर्द गिर्द तो इनकी व्यवस्था थी, लेकिन ध्वनि क्या है इसके बारे में उन्होंने कहीं कोई चर्चा नहीं की है। आनंद वर्धन जी ने इन सभी को, पूर्वाचार्यों को देखा, अध्ययन किया और महसूस किया, उनकी त्रुटि को समझ करके, थोड़ा सा ध्यान रखना, त्रुटि समझ के उसका निवारण किया। और उन्होंने क्या किया, जो शब्द की तीन शक्तियां होती हैं अविधा, लक्षणा, व्यंजना, ये तीन शक्तियां जो होती हैं, इस तृतीय शक्ति को आधार मान करके, इसको बेस मान लिया उन्होंने, आधार मान करके, और ध्वनि को काव्य की आत्मा घोषित कर दिया। शब्द पहले से थे, शब्द की तीन शक्तियां थी, तो तीसरी शक्ति को आधार मानकर ध्वनि की काव्य को आत्मा घोषित कर दिया। इससे पहले थोड़ा सा और एक चर्चा करते चलें, ये तो समझ में आ ही गया होगा, अभिनव गुप्त बहुत प्रमुख आदमी है, ये नाट्य शास्त्र भी की व्याख्या इन्होंने अच्छे से की है और ध्वन्यालोक की भी इन्होंने ही व्याख्या की है। तो इन्होंने संकेत के रूप में दो विद्वान चुने थे, उद्भट और वामन। इन्होंने बताया कि इन दोनों विद्वानों ने ध्वनि के कुछ संकेत दिए हैं, साक्षी माने ये दोनों। उद्भट का जो पुस्तक का नाम था वो भाम है, विवरण था, और वामन का था वक्रोक्ति, विवेचन। तो ये तो हमको प्राप्त नहीं होती उद्भट के, साक्ष्य के रूप में सिर्फ वामन रह जाते हैं, वो वक्रोक्ति विवेचन से मानते हैं कि इन्होंने ध्वनि के बारे में कुछ संकेत किए हैं,
ये अभिनव गुप्त जी का मानना है। तो ये छोटी सी चर्चा थी, अब हम थोड़ा सा इसमें हम आगे चलें, ठीक है। ध्वनिकार बोला जाता है इनको, ध्वनि का आनंद वर्धन के बारे में कहीं कोई भी ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है, मात्र दो मिलती हैं इनकी जानकारी। एक तो पिता का नाम मिल जाता है, पिता को नौण या नौणोपाध्याय, ये दो नाम मिल जाते हैं। दूसरा इनके गुरु के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी मिलती है, सहृदय, ये दो इनके बारे में मिल जाती हैं चर्चाएं। नौण नौणोपाध्याय एक ही बात है, ये उपाध्याय लगा हुआ है, ठीक है। और सहृदय, सहृदय तो इनकी कारिका में ही दे रखा है, प्रथम कारिका का जब हम अध्ययन करेंगे पता चलेगा, उनके अंतिम पंक्ति में सहृदय नाम दे रखा है। अन्य जो विद्वान हैं जैसे कीथ है, व्यूलर हैं, जैकोबी हैं, ये सहृदय को इनकी, चलो आगे इसमें चर्चा आगे करूंगा, जब कार का बताऊंगा तब बताऊंगा। अब इनके थोड़े से ये बातें हो गई, इसमें कुछ नहीं है इसके बारे में, और कुछ मिलता ही नहीं है, जानकारी नहीं मिलती है। थोड़ा समय पे चलते हैं, इनके जब समय की चर्चा करेंगे तो समय हमें जो मिलता है मुख्य रूप से, पूरी विस्तृत में थोड़ा सा जाऊंगा, उसके बाद सीधे सीधे समय पे चलेंगे। जो मैंने नाम लिए थे अभी, जैकोबी गुलर वगैरह, उन्होंने इनका जो समय रखा है वो 853 ईस्वी रख माना है। इसमें थोड़ी सी और बात आगे चली है, तो मैंने बताया था अभिनव गुप्त, अभिनव गुप्त जी आगे बताते हैं कि जो आनंद वर्धन जी थे वो मनोरथ के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? मनोरथ के समकालीन थे। और मनोरथ जो थे वो जयापीड और ललिता पीढ़ के समकालीन थे। ललित और ललिता पीढ़ का समय कितना है? ललिता पीढ़ का जो समय दिया है वो 780 से 813, ये इनका समय है। इसमें आगे और थोड़ी सी चर्चा की गई है, इनका मुख्य रूप से जो समय मान लिया गया है वो नवी शताब्दी के मध्य से अंतिम तक का समय मान लेते हैं। एक विष्णु जी हुए हैं, और विष्णु जी ने इनका जो समय माना है वो 900, इनका विष्णु का नाम था विष्णु पद भट्टाचार्य, इस तरह से पूरा नाम है विष्णु पद भट्टाचार्य, इन्होंने 902 ईस्वी मान लिया है, ठीक है। तो ये इनका पूरा ये काल है, वो लिखा हुआ ऐसा लग रहा होगा आपको, लेकिन ये ऐसा ही है, आप ऐसा ही मानेंगे इसको, चाहे आप ललिता पीढ़ के समय में देख सकते हैं इनको, या व्यूलर के अनुसार, जैकोबी के अनुसार, जैकोबी व्यूलर कीथ इनके अनुसार इसको मान सकते हैं, या नौवीं शताब्दी मान सकते हैं, या विष्णु विष्णु जी हुए हैं पद भट्टाचार्य उनके अनुसार 902 ईस्वी मान सकते हैं। ये तीनों में से कोई समानना पड़ेगा, और वो आ जाए तो ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें कोई खास नहीं है, पिता का वगैरह का मान, माता वगैरह का क्यों नाम मिलता नहीं, स्थान मिलता नहीं, स्थान इनको सबसे ज्यादा ये मान के चलिए, सभी जितने भी आचार्य हुए काव्य को, कुछ दो एक दो तीन छोड़ करके, वो सब कश्मीर में हुए हैं, ठीक है। चलिए
आनंद वर्धन की जो रचनाएं हैं वो लगभग चार मिलती हैं, पांच हैं शायद, चलो देख लेते हैं अभी। पहली जो रचना है वो विषमवाण लीला, दूसरी है अर्जुन चरित, तीसरी है देवी शतकम, चौथी है तत्वालोक, पांचवी है ध्वन्यालोक। तो ये पांच रचनाएं इनकी हमको प्राप्त होती हैं। तो हम चर्चा जो कर रहे हैं वो ध्वन्यालोक पे कर रहे हैं। तो ध्वन्यालोक जो है उद्योतों में बटा हुआ है, किसमें बटा हुआ है, उद्योत में बटा हुआ है, ठीक है। इसमें चार उद्योत हैं, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते चलेंगे, फिर हम आगे थोड़ी सी कारिकाओं के बारे में जानेंगे कि है क्या क्या इसमें। वैसे इसमें कहीं कोई ये नहीं दे रखा है कि इसमें ये चीज है इसमें वो चीज है, इसमें जो कारिकाएं दे रखी हैं, प्रथम कारिका में सीधे सीधे ध्वनि के विरोध जो हुए हैं उनका खंडन किया है और ध्वनि को निरूपण किया गया, विशेष रूप से स्थापना की है प्रथम कारिका में, पूरा प्रथम जो उद्योग है उसमें पूरा यही समझाया गया है, ठीक है, ध्वनि के बारे में। दूसरी जो है उसमें लक्षणा और अविधा, विवक्षितवाच और अविवक्षितावाच, विवक्षितावाच और अविवक्षितवाच के बारे में पूरी चर्चा की गई है दूसरे बार उद्योग में। तीसरा जो उद्योग है, तीसरे उद्योग में जो चर्चा की गई है वो पदों वाक्यों पद्यांशों रचनाओं के द्वारा ध्वनि की प्रकाशिता को ही वर्णन किया गया है, अर्थात ध्वनि को ही इन्होंने प्रकाशित किया है इन सभी के द्वारा। तो ये ध्वनि के इर्द गिर्द घूमी है। चौथा जो उद्योत है, इसमें मैं लिख नहीं रहा हूं, कुछ लिखने के लिए नहीं है, इसके पाठ के नाम नहीं है। चौथा उद्योत जो है तो उसमें दिखाया गया है कि ध्वनि को या गुणीभूत काव्य के द्वारा यदि जो व्यक्ति है जो कवि है अपने काव्यों को कितनी प्रकार से कैसे चमत्कारिक रूप दे सकता है, ये इन्होंने व्यवस्था दी है चौथे में। तो ये चार उद्योग में बटा हुआ है, ये थोड़ी थोड़ी मैंने चर्चा की है, आप जब पुस्तकों के साथ अध्ययन करेंगे तो पता चलेगा यही है और कुछ नहीं है उसमें। आगे जो बात की जाए थोड़ी सी, इसमें जो ध्वन्यालोक बटा हुआ है वो तीन भाग हैं उसके। एक तो है कारिका, या इसको मूल कारिका भी बोल सकते हैं आप। दूसरा जो भाग है वो वृत्ति है। तीसरा जो भाग है वो उदाहरण है। मूल कारिका और वृत्ति ये आनंद वर्धन जी ने बनाई है, अर्थात इसको पहले तो कारिका लिखी उसकी फिर व्याख्या वृत्ति के रूप में आनंद वर्धन जी ने स्वयं की है। उदाहरण जो लिए हैं उन्होंने मुख्य रूप से ये विषमवाण लीला, जो अपना ही रचित काव्य है, पुस्तक काव्य की है ये, तो उससे इन्होंने ले लिया है विषमवाण लीला से उदाहरण, और कुछ अन्य काव्यों से भी इन्होंने उदाहरण लिए हैं। लेकिन यहां थोड़ी सी एक बात और है, मैंने जो चर्चा की थी आपसे यहां मैंने बीच में रोक दिया था कि भीमलर जैकोबी, वो बात यहां थी, वो मैं करना चाह रहा कर दी थी मैंने वहां पर, उन्होंने जैकोबी वगैरह ने जो मूल कारिका है उसके रचनाकार सहृदय को माना है। सहृदय जानते हैं ना, हमने चर्चा की थी, इनके गुरु को, और जो वृत्ति है उसके लेखक को या इनके वृत्तिकार को इन्होंने आनंद वर्धन जी को माना है, इस तरह से ही बात है। और आगे इसमें देखेंगे हम, बस इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं, छोटी सी चर्चा थी आज इसमें। आगे आने वाले समय में बहुत विस्तृत रूप से जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ध्वनि सरल नहीं है, ध्वनि उलझी हुई सी है, और ध्वन्यालोक को समझना है तो पहले ध्वनि को समझना पड़ेगा, क्योंकि ध्वनि को समझाने के लिए मैंने एक वीडियो भी बना रखी है, आप जाकर के उसको देख सकते हैं। अंतिम से समय निकलता है वो शब्द का निकलता है, उसी का नाम ध्वनि है, स्फोट या उसमें पसपसहानी दे रखा है वीडियो हमने, उसको आप जाकर के अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करूंगा
छोटी सी चर्चा थी, लेकिन आपको लाभ अवश्य देगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।